जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। देवधा में 3 दिवसीय 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं संस्कार महोत्सव का आयोजन मधुबनी जिला के देवधा गांव में समस्त देवधा वासियों के द्वारा अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं संस्कार महोत्सव का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 3 दिवसीय है। देवधा गांव में 101 कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकालकर इस महायज्ञ की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हरिशंकर साह एवं ओडिशा से आए गायत्री परिवार के पुजारी राधे प्रसाद साह के द्वारा कार्यक्रम का नेतृत्व किया गया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और बाहर से आए गायत्री परिवार के लोगों ने इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल हुए। कलश शोभा यात्रा की शुरुआत फिरनदास जी के यहाँ से विभिन्न सड़क होते हुए देवधा रामजानकी मंदिर में पहुंचकर जल भराई कर पुनः फिरनदास जी के यहाँ कलश की स्थापना की गई। देखिए इस रिपोर्ट को। आज गायत्री महायज्ञ दौधा में हो रहा है, यह बहुत ही खुशी का विषय है। कोई भी यज्ञ होता है, यह सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें विश्व कल्याण की कल्पना करता है और मानव मानव एक हो, एकता का भाव हो और सनातन का प्रचार प्रसार हो और पर्यावरण की शुद्धि के लिए यह यज्ञ किया जाता है। यज्ञ का उद्देश्य ही है कि धार्मिक वातावरण भाईचारगी बना रहे। इस उद्देश्य से आज बहुत ही खुशी का गौरव का विषय है कि गायत्री महायज्ञ हमारे देवधा में हो रहा है। सबसे पहले तो जो यज्ञ के कर्ता धर्ता है उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस देवधा को में करने का स्थान रखा है और इससे मुझे काफ़ी खुशी है कि मेरा गांव भी है और क्षेत्र भी है, बहुत खुशी है मिल रही है। और इसका उद्देश्य ही है यज्ञ से होम होता है, घी जलता है, पर्यावरण शुद्ध होता है और उद्देश्य ये है कि मानव मानव एक समान हो, पूरा विश्व एक हो, यही उद्देश्य है। 5 कुंडी गायत्री महायज्ञ कलश देव कन्या माथे पर कह सकिए, माथे पर कह सकिए, सद्भावना माथे पर कह सकिए। इंसान जो है रथ को आगे बढ़िए, रथ आगे बढ़िए भाई साहब, रथ को आगे बढ़िए। हमारे पूज्य गुरुदेव का इस रथ को बढ़ाइए, गुरुदेव रथ को बढ़ाइए। हर प्राणी देवता बने, का मतलब यही कि हमारा पर्यावरण शुद्ध हो, आदमी और हम इस वसुधा को या मेन हमारा उद्देश्य होता है कि यज्ञ करवाएंगे और हर आदमी से वृक्ष लगवाएंगे ताकि ये पर्यावरण सही। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। लक्ष्मी लक्ष्मी।